नहीं शहंशाह, आपने कुछ गलत नहीं किया। बल्कि भूल तो हमसे हुई है शहंशाह, जो हमने आप पर संदेह किया। अपने पति, अपने प्रेम पर हमने विश्वास नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। आप इतने दिनों से मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे थे और आपका साथ देने के स्थान पर हमने आपको कड़वे वचन कहे। आपने एक पल में सलीम के लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया और हम आप पर संदेह करते रहे। हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आपकी गलती नहीं है, हालात ही ऐसे थे जो था बेगम। लेकिन कम से कम हमें इस बात का सुकून है कि आप तो सच जान गई हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रहे जोधा बेगम कि शेखू बाबा को ये सच कभी भी बताना लगने पाए, क्योंकि अगर अब उन्हें ये बात पता लग गई कि हम किस मजबूरी में ये निकाह कर रहे हैं, तो वो फिर से अपने दोस्त फरहान की शादी बेरा से कराने के लिए राजा कंभार पर हमला बोल देंगे। और उन हालातों में हम ना ही अपने बच्चे को बचा पाएंगे, ना ही अपनी दी हुई जबान को। पर शहंशाह, आप फरहान और बेला का विवाह भी तो करवा सकते हैं। जोधा बेगम, राजा खंभार के कबीले के कानून के तहत ये मुमकिन नहीं था। हमें लगा वो लड़की मना करते गए, लेकिन जब हमने इसे पूछा तब ना जाने उसने हाँ क्यों कह दी। शायद वो फरहान से इतनी मोहब्बत नहीं करती है। फिर अगर उसने हाँ कही भी है तो हो सकता है अपने कबीले के मुस्तकबिल के लिए कही है। लेकिन अब हम हमारे बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे, हम इंसाफ करेंगे। जोधा बेगम, इंसाफ भी कभी कभी बड़ा ही अजीब होता है जोधा बेगम। खैर, हम अपना हक निभाएंगे और आपको अपना हक निभाना होगा जोधा बेगम। जोधा बेगम, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी शेखू बाबा को ये बात मत पता लगने दीजिएगा कि उनके हाथों से बेला के मंगेतर की मौत हो गई है और क्यों मजबूरन हमें ये निकाह करना पड़ा। अब कल फिर से सुबह शगुन निकलेगा और शाम को उनके हवेली में हमारा निकाह होगा। पर सलीम, वो आपके बेटे हैं और आप ही के भांति हठी भी हैं। फिर से वो विवाह को रोकने का प्रयास करेंगे तब? उनकी फिक्र आप मत कीजिए, उन्हें हम संभाल लेंगे। पर शहंशाह, इस बार सलीम को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए। वादा करते हैं हम आपसे कि हम आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन माफ कीजिएगा हमें जोधा बेगम, हमें यह निकाह करना ही होगा।